बुरी खबर ये है कि जो मेरी हार्ड डिस्क थी जिसमें मैंने अपना सारा डाटा रिकॉर्ड किया हुआ था, जो भी मैं थाईलैंड और बाली से बना के लाया था, वो हार्ड डिस्क मेरी हो गई है क्रैश और सारा डाटा हो गया इसमें लॉस्ट। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊंगा और फिर से वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। आज है 4 जनवरी 2019 और इस समय मैं जा रहा हूँ फुकेत। फुकेत मैं जा रहा हूँ इस बार कुछ काम से। सो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि वीज़ा ऑन अराइवल फुकेट में कैसे होता है, उसके बारे में आप बताइए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल एट फुकेट एयरपोर्ट, क्योंकि अब दिल्ली से 2 फ्लाइटें जाने लगी हैं डायरेक्ट फुकेट, एक है गो एयर और एक है इंडिगो। इस समय जो मैंने फ़्लाइट चूज़ की है वो है गो एयर। मैं पहली बार गो एयर फ़्लाइट में सफ़र कर रहा हूँ। मैंने स्पाइस जेट, इंडिगो, थाई एयरवेज, थाईलियान, थाई स्माइल सब जगह सारी फ़्लाइट्स में ट्रैवल किया है, बट गो एयर की मेरी ये पहली फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट डिपार्ट होगी 1 बजे, रात को 1 बजे, और सुबह 7 बजे ये फुकेट पहुँच जाएगी। थाईलैंड के टाइम पर ये फुकेट पहुँच जाएगी। सो गाइस, मैं इस समय जा रहा हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर की तरफ। फुकेट एयरपोर्ट एक बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और आपको वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एज कम्पेयर टू बैंकॉक। और ये है वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन और इसी के ठीक बगल से मिलेगा आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म। ये है वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किसको कैसे भरेंगे। गाइज, फाइनली मैं हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के एरिए में और मैंने अपना वीज़ा फॉर्म ले लिया है। काफ़ी इजी है फॉर्म, आपको यहाँ से इजीली मिल जाता है, सब जगह रखे रहते हैं, इजीली आप ले सकते हैं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है पर उसको अब 1 साल हो चुका है, तो थोड़े बहुत नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो दोबारा ये वीडियो बना देता हूँ। सो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको 2 तरह के फॉर्म भरने होंगे। एक तो होगा आपका अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड, जो आपको एयरलाइन में चढ़ते समय या उतरते समय मिल जाएगा, और एक आपको भरना होगा वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म। अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड आपको भरना है इस तरीके से। इसमें जो डिटेल्स दी गई है वो मैंने अपनी डाली हुई है, आपको आपके पासपोर्ट की डिटेल्स के अंदर फिल करनी है। और वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म आपको भरना है ऐसे। इसमें भी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मेरी डली हुई है, आपको आपके पासपोर्ट के हिसाब से डिटेल्स के अंदर भरनी है। और इन 2 फॉर्म के साथ आपको देना होगा रिटर्न फ्लाइट टिकट, एक फ़ोटोग्राफ, आपके सारे दिन की होटल बुकिंग, जितने भी दिन आप थाईलैंड में हैं उतने दिन की होटल बुकिंग, आपका बोर्डिंग पास और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस 2000 बाट। जी हाँ, वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस 2000 बाट है, वो भी आपको इस फॉर्म के साथ देनी होगी। इस समय जब मैं आया हूँ उस समय वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस नहीं लग रही है, बट जब आप आएंगे तो शायद वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस शुरू हो चुकी होगी,
तो वीज़ा और ऑन अराइवल की फ़ीस 2000 baht आपको इस फॉर्म के साथ जमा करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लग जाना है और उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देने हैं। उसके बाद वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, थोड़ी देर बाद वो आपको उसकी रिसिट दे देंगे, वीज़ा दे देंगे, उसके बाद आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है। सो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल पर लगेंगे फुकेट पर, और ये सेम यही प्रोसीजर थाईलैंड बैंकॉक की भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं और लेते हैं वीज़ा। ये वाला पार्ट में शूट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे शूटिंग करना मना है और मैं कोई भी लॉ तोड़ना नहीं चाहता। तो चलिए मिलेंगे इमिग्रेशन करने के बाद। सो गाइज मेरा इमिग्रेशन हो गया है कंप्लीट और अब मैं आ गया हूँ फुकेट सिटी के अंदर, एंटर हो गया हूँ। गाइज ये था वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए चलते हैं बाहर।